आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। देखा जाए तो यह पर्व अगस्त से सितंबर के बीच आता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर लाते हैं और 10 दिनों तक पूजा और आरती करते हैं और 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन बड़ी धूमधाम से भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, गणेश की मूर्ति को क्यों बैठाते हैं और फिर 10 दिन बाद गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। उनमें से एक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहानी यह है कि व्यास जी ने अपने दिमाग में पूरी महाभारत की कहानी की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें पता था इसे लिखना कितना कठिन काम हो सकता है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के सुझाव पर व्यास जी ने तब ज्ञान और ज्ञान के देवता गणेश जी से महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा, मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि, किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, अतः आप ही श्लोक को लिपिबद्ध करना। तब व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। उसके 10 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हुआ। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। जिस दिन गणेश जी ने लिखना आरंभ किया उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस उपलक्ष्य में हर साल इसी तिथि को गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन वचन कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित कर दिया जाता है। वैसे गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इस तरह पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी।